हमारा जो सिलचर का जो फ्लड है उसका सबसे बड़ा रीजन हमारा बेतुकांदी पे छुपा हुआ है। यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं बेतुकांदी, ये टूट गया है जिससे कि नदी का पानी अंदर की तरफ फ्लो हो गया है, फिर बिल से जो है पूरा पानी हमारे टाउन की ओर चला गया है। कुछ लोगों ने जो है यहाँ का जो बांध है जानबूझ के तोड़ा है। एंड गाइस दिस वाज द मेन रीजन व्हाई इट इज नोन एज मैनमेड फ्लड। के अंदर पूरा फॉग आ गया, मतलब ये भी गया काम से। वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू यू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछले वाला व्लॉग में मैंने आपको बता दिया था कि हमारे आसाम पे सिलचर पे जो फ्लड हुआ था उसके पीछे इंसान का हाथ था, दैट्स वाई इस फ्लड को जो है मैन मेड फ्लड कहा जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं निकलने वाला हूँ उस फ्लड को मैन मेड फ्लड क्यों कहा जाता है उसका एक छोटा मोटा सा व्लॉग बनाना है। उससे पहले तो गाइज मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं हूँ अपने मामा का घर, क्योंकि पिछले वाला व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारा घर पे जो है पानी का थोड़ा बहुत इश्यूज हो रहा है, डर्टी पानी आ रहा है, तो हम लोग उस पानी को यूज़ कर नहीं पा रहे। दैट्स व्हाई हम लोग आ गए मामा का घर। यहाँ पे हम लोग रह रहे पिछले 4-5 दिनों से, वही है कुछ सीन्स यहाँ का। फिलहाल तो मैं अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप वगैरह रेडी करता हूँ एंड निकलते हम मैनमेड फ्लड क्यों कहा जाता है उसका व्लॉग बनाने। तो एनीवेज गाइस मैं निकल गया हूँ एंड सबसे पहले मैं जा रहा हूँ फ्यूल अप करने, कॉज बाइक रिजर्व पे है एंड 57 किलोमीटर मैंने चला लिया है। एंड ये वाला जो पेट्रोल पंप है न्यू खुला है यहाँ पे प्रेमतला वाला, तो आज हम लोग इससे फ्यूल अप करवाएंगे। एंड फ्यूल अप करवाने से पहले जो है इसका टेस्ट करवाएंगे एक बार, कॉज फ्लड का समय है, टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। दादा 200 पेट्रोल दो, टेस्ट कुड़िया दियो। टेस्ट करा जाए तो टेस्ट कुड़िया दियो, তাইনরে রাখো। জল জল থাকে কি না এগুলো টেস্ট করা যায় না, ওটা টেস্ট করে দিবা। আমরা কালকে পেট্রোল ভরছি রাঙের খাড়ি থেকে, টেস্ট করে দে ডেন্সিটি। না ঠিকই আছে, ওকে। পেট্রোল পাম্পটা কতদিন পরে খুললো এটা? হ্যাঁ 5 বছর, বাপরে। तो एनीवेज गाइस यहाँ पे टेस्ट ये लोग कर नहीं पाते, फिर भी मैंने जो है बोतल पे लेके देख लिया है नीचे पानी उतर रहा है कि नहीं, क्योंकि बोतल में लेने से ही समझ में आता है कि नीचे से पानी उतर रहा है कि नहीं, है ना। तो वही जस्ट हम लोगों ने टेस्ट किया, फिर मैंने देखा कि नहीं चलो सब कुछ ठीक ठाक ही है, तो मैंने 200 रुपये का भरवा लिया है, क्योंकि मुझे डाउट है कि मैं अभी दूसरा पेट्रोल पंप पे जा पाऊंगा कि नहीं इतना पेट्रोल से। अब 200 रुपये का भरवाया, 2 सेलीबस आया। एंड फिलहाल तो गाइस मैं बता दूं कि हम लोग अभी जा रहे हैं बेतुकांदी। एंड बेतुकांदी मैं क्यों जा रहा हूँ क्यों नहीं वो तो जाके मैं बताऊंगा। हमारा जो सिलचर का जो फ्लड है उसका सबसे बड़ा रीज़न हमारा बेतुकांदी पे ही छुपा हुआ है, तो चलते हैं। এদিকে যাওয়া যেত না, আপনারা একটু ব্যাক করে লাইন, আমরা জিমু গিয়া। তো এনিওয়েজ গাইস ইয়াহা পে হাম লোগ বেতুরগান্দি পৌঁছ চুকে অলমোস্ট, ইয়ে ওয়ালা জায়গা জাস্ট ক্রস করেঙ্গে, উসকে বাদ হি হামারা বেতুরগান্দি কা জো মেইন স্পট হ্যায় জাহাঁ সে মতলব ইয়ে সব ঘটনা হুয়া হ্যায় উস স্পট তক পৌঁছ জায়েঙ্গে। উপর আপ হেলিকপ্টার ভি দেখ সকতে হো, সার্ভিলেন্স কর রহা হ্যায় गाइज। ये जो स्पॉट है ये हम लोग बेतुरगंदी का थोड़ा सा पीछे है, यहाँ से जो है पानी ओवरफ्लो या फिर अंदर से ही जो है इस बिल तक गया है। इस बिल का एग्जैक्ट नाम जो है मैं लोकल से पूछ लूँगा, जितना तक लग रहा है ये मालिनी बिल है। तो वही है, अभी जाते हैं अंदर, अंदर जाके आपको अच्छे से विस्तार से समझाते सब कुछ। इटा नाम टाइम, अच्छा अच्छा सामने जेबो नहीं बाइक ना उतरू, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं बेतुकांदी। यहाँ पे बोर्ड आप देख ही सकते हैं बेतुकांदी का। एंड इससे पहले कि मैं बता दूँ कि यहाँ पे फ्लड क्यों हुआ है एंड इसे मैनमेड फ्लड क्यों कहा जाता है, उससे पहले हम लोग जानते हैं सिलचर का कुछ जियोग्राफी। सिलचर का जियोग्राफी से मैं क्या मीन करता हूँ, मैं सिलचर का जो है रिवर के बारे में बात करना चाहता हूँ। सिलचर जो है हमारे बराक रिवर से सराउंडेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम अपना सुनाई रोड का साइड, फिर कनकपुर का साइड, देन कनकपुर से फिर ये बेतुकांदी का साइड होते हुए ये जानीगंज रोंगपुर फिर इटकोला साइड को क्रॉस करते हुए जाता है हमारा बराक रिवर यहाँ। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ कि ये जो रिवर है इस रिवर के बिल्कुल बगल में हमारा सिलचर का टाउन, एंड इस टाउन पे पानी घुसने से जो बचाता है हमें वो है यहाँ का एक छोटा मोटा सा बांध जो कि रिवर का दोनों एंड पे बना हुआ रहता है। एक तो आप रिवर का उस एंड पे देख लोगे, एक आप देखोगे रिवर का इस एंड पे। तो इस एंड का जो ये बांध है, इस बांध को मई महीने का फ्लड में जो है पानी ओवरफ्लो करके उस तरफ गया है। एंड इस फ्लड का पानी को निकालने के लिए यहाँ पे जो है बांध का छोटा मोटा सा पीस, रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ से जो है छोटा मोटा सा पार्ट
काटा गया था कि ये जो बिल है, तो ये जो यहाँ का हमारे पीछे मोइशा बिल है, इस बिल का पानी निकालने के लिए यहाँ पे बेतु गांधी का ये जो बांध है इस बांध का छोटा सा पीस काटा गया था ताकि मोइशा बिल से पानी जो है दोबारा रिवर की ओर निकल जाए। लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि जून महीने में दोबारा से नदी का लेवल का जो पानी है वो बढ़ गया, के कारण यहाँ पे जो बांध कटा हुआ था यहाँ से पानी दोबारा से अंदर घुसना शुरू हो गया। एंड जैसे जैसे ये अंदर घुसा, हमारे इस बिल का पानी का लेवल बढ़ गया, फिर हमारे बिल पड़का साइड, पब्लिक स्कूल साइड, कनकपुर साइड, सब जगह इफेक्ट किया सबसे पहले। उसके बाद पानी यहाँ से ओवरफ्लो होके सिलचर का दूसरा एंड्स पर फ्लो होके गया है। यहाँ का जो पानी है वो हमें पूरा बाईपास तक दिख जाएगा। मैंने आपको मेरा कल का व्लॉग में मैंने दिखा दिया था, ये हमारा बराक रिवर, एंड बराक रिवर का जो पानी है इसी तरफ से अंदर गया है, बिल्कुल इसी तरफ से इस बिल पे गया है। एंड देन बिल का पानी का लेवल बढ़ गया, फिर बिल से जो है पूरा पानी हमारे टाउन की ओर चला गया है। अब यहाँ पे जो है एक और स्ट्रक्चर टाइप बनाया जा रहा है जिससे मतलब पानी को जो है, पानी का फ्लो को जो है कंट्रोल किया जा सके, वही है कुछ सीन्स यहाँ का। अब हम चलते हैं उस पार को और आपको कुछ सीन्स चेक करवाते हैं। ये जो है गाइज यहाँ पे ये आधा रास्ता है एंड इसी हम लोग बांध कहते हैं, एंड इस तरफ ये रास्ता है एंड बीच का ये जो पोर्शन है ये टूट गया है जिससे कि नदी का पानी अंदर की तरफ फ्लो हो गया है। नदी जो है वो बिल्कुल इसका पीछे, यहाँ पे नदी का पानी जब भर गया था तब पानी पूरा, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ तक पानी था। अब समझ लो कि पानी का लेवल कितना भरा था, एंड ये इस तरफ से होते हुए पूरा टाउन की तरफ गया है। एनीवेज गाइज मैं बाइक पे बैठ चुका हूँ एंड यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, एंड निकलते मैंने एक पॉइंट जो है पीछे मिस किया था वो मैं बोलना चाहता हूँ। वो ये है कि सेकेंड टाइम जब हमारा बराक रिवर का पानी का लेवल जब बढ़ा जून का 14-15 तारीख अप्रोक्सीमेटली उसी बीच होगा, कुछ लोगों ने जो है यहाँ का जो बांध है उसे जानबूझ के तोड़ा है, एंड जिन लोगों ने तोड़ा है उनमें से 4 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। इसका कल परसों ही एक न्यूज़ आया था हमारे पास। एंड ये जो पॉइंट है मैंने पीछे इसलिए नहीं बोला बिकॉज पीछे लाइक मेरा दोस्त प्रतीक आज मेरे साथ है, एंड ये पकड़ रहा था आज कैमरा, तो कैमरा के पीछे जो है कुछ क्राउड इकट्ठा हो गया था जिसके कारण मैं डर गया था थोड़ा बहुत। मैं सोच रहा था कि ये वाला पॉइंट बोलूँ कि नहीं बोलूँ बिकॉज क्राउड भड़क सकता है एंड उल्टा के हमें रोक सकता है, जिसके कारण मैं सेफ साइड में रहने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो उनके अगेंस्ट हो। पर पॉइंट ये भी एक है कि यहाँ का कुछ 4 लोग हैं, 4-5 लोग हैं जिन्होंने बांध को जो इच्छा करके तोड़ा है ताकि पानी जो है अंदर की ओर बह जाए, तो वही है बस। वो वाला पॉइंट मैंने पीछे मिस कर दिया था। एंड गाइस दिस वाज द मेन रीजन व्हाई इट इज नोन एज मैन मेड फ्लड, क्योंकि कुछ यहाँ का लोकल लोगों ने, लोकल हो सकता है या फिर कुछ और भी लोग हो सकता है, जो लोग मिलकर इस छोटा सा बांध का टुकड़ा को और भी काट के दिया ताकि पानी जो है बराक रिवर से मोइशा बिल के ओर एंड मोइशा बिल जो है वो ओवरफ्लो कर जाए एंड मोइशा बिल से सारा पानी निकल के जाए वो टाउन के तरफ। एंड वही हुआ है गाइस, मोइशा बिल का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया जिसके कारण पानी डायरेक्टली टाउन का बढ़ा, एंड टाउन पे भी पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप में से जितने भी लोग सिलचर पे रहते हो सबको सीन मालूम ही है, एंड जिनको नहीं मालूम है, कोई अगर आउट ऑफ सिलचर से देख रहा है तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप मेरे पिछले व्लॉग्स देख लो जहाँ पे मैंने सिलचर का लोगों का कंडीशन दिखाया कि लोग कैसे कैसे रह रहे थे, कैसे कैसे लोगों को रेस्क्यू किया गया, खाना का क्या था क्या नहीं। वैसे सिलचर का बहुत सारा जो रोड है टूट गया ऑलरेडी फ्लड के कारण, और दास कॉलोनी साइड में तो अभी भी फ्लड है। अभी टाइम क्या हो रहा है, तो अभी का टाइम हो रहा है लगभग 11:50, एंड अभी हम लोगों ने प्लान किया हम लोग जाएंगे दास कॉलोनी, वहाँ पे पानी अभी भी स्टोर्ड है, स्टैग्नेंट है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है। फिर नेशनल हाईवे हो गया उसमें भी पानी स्टैग्नेंट है। चलते जाके दिखाते हैं हम आपको सीन्स, तब तक आप कुछ यहाँ वहाँ का सीन्स एंजॉय कीजिए। एनीवेज गाइज हम लोग दास कॉलोनी पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ पे जो आप पानी देख पा रहे हो ना, कल और भी ज्यादा था, आज तो ऑलमोस्ट कम गया है। मैं सोच रहा था कि पानी जो है अभी भी रहेगा यहाँ पे, पर कोई नहीं, अच्छी बात है कि पानी जो है निकल रहा है धीरे धीरे से। यहाँ पे शायद पानी है, चारों ओर का रास्ता टूट गया है। धीरे अंकल जी, क्या है भाई,
तो गाइस ये हम लोग एक गली में आ गए हैं, यहाँ से सीधा जाएंगे तो हमें मिलेगा नेशनल हाईवे। तो अभी यहाँ से हम लोग नेशनल हाईवे चढ़ेंगे, चढ़ के देखेंगे पानी है कि नहीं, क्योंकि कल मैं आया था दासकुलों में भी पानी था और अपना नेशनल हाईवे में भी पानी था। एंड अभी जितना तक लग रहा है दोनों तरफ से जो है पानी उतर गया है। कोई नहीं, अच्छी बात है कि पानी उतर गया है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं ऑलमोस्ट 10 दिन जैसा पानी की वजह से घर पे बंद था। एंड यहाँ पे तो लगभग ये 15 दिन हो जाएगा पानी की वजह से ये लोग घर पे लॉक्ड थे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग नेशनल हाईवे तक तो पहुँच ही गए थे, पर यहाँ पे जो है रास्ता बहुत ही ख़राब है, प्लस सामने पानी भी दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अभी हम लोग और रिस्क नहीं लेने वाले, यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं ना, यू टर्न लेके। तो एनीवेज गाइस यहाँ पे अभी हम लोग दास कॉलोनी का पीछे से होते हुए चेंकुरी रोड आए हैं। एंड यहाँ पे जो है अभी भी पानी है, मैं आपको पानी दिखाने निकला था एंड यहाँ पे देख ही सकते हो पानी। एंड जिस दिन पानी आया था उस दिन जो पानी का रंग था वो पूरा लाइक येलो टाइप, पूरा नदी का पानी समझ में आ रहा था। उसके बाद जब पानी कम गया ना, पूरा पानी का जो रंग है ब्लैक हो गया कलर में। एंड उससे जो स्मेल आ रहा था ना भाई, बहुत ही डर्टी सा एक स्मेल आ रहा था। पता नहीं ये सब पानी अगर बॉडी फोडी में लग गया तो न्यू डिजीजेस भी हो सकता है। मैं एक चीज समझता नहीं हूँ, लोग फ्लड देखने से तेजी से क्यों चलाते हैं। फ्लड पे धीरे धीरे चलो तो खुद भी नहीं भीगोगे और लोगों को भी नहीं भिगाओगे। ओ भाई सामने तो और भी पूरा समुंदर है सामने। मैं फ्लड पे तो उतरूंगा नहीं, कॉज मुझे इस डर्टी पानी में पैर नहीं मारना है। यहीं से हम लोग यू टर्न ले लेंगे, सामने मैं पानी दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। तो भैया जी यहाँ पे फ्लड आप देख ही सकते हो, बहुत ही खतरनाक वाला। खतरनाक तो खैर कुछ भी नहीं है, ये अभी गाड़ी बाइक आराम से चल रहा है, जब पानी जब भरा था ना भाई उस समय खतरनाक था। एटा तुम्हारे रैप करानी, सब लोग भाई मेरे बाइक के बारे में पूछता है भाई, अपना लियो चलो। तो यहाँ से हम लोगों ने ले लिया यू टर्न, अब चलते हैं यहाँ से घर के और ही। मुझे प्रतीक को भी अपना घर पे छोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली गाइज मैं बता दूँ कि प्रतीक जो है मेरा घर का बिल्कुल उल्टा साइड में रहता है, तो उसी से हम लोग का जो है फ्रेंडशिप, नेबरहुड फ्रेंड जिसे बोलते हैं ना। तो अभी मैं प्रतीक को छोड़ूंगा उसका घर, फिर मैं आ जाऊंगा मेरे मामा का घर, कॉज आपको मालूम ही है मैं निकला था मामा का घर से, तो दोबारा से घूम फिर के मामा का घर चलते हैं गाइज। गाइज मैं आपको पानी दिखाने के लिए गया था, इतना दूर जाने का कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि मेरे घर का सामने ही पानी था बिलपार। ये देखो बिलपार का रास्ता, इसमें अभी भी पानी है। सुबह तो और भी ज्यादा था, अभी आते थे थोड़ा कम गया है। एंड सामने और भी पानी है, मैं दिखाता हूँ आपको जाके। ये देखो पानी ही पानी, धीरे धीरे चलो। एंड ये जो पोर्शन है ये पूरा लेटेस्ट है, यहाँ पे हम लोग का मंदिर दिखी, यहाँ से पानी निकल के ये ड्रेन पे जा रहा है, नीचे से लीक होके ड्रेन पे जा रहा है। वही है, अब यहाँ पे आ गए हम प्रतीक का घर भाई। गाइज ये रहा मेरा घर, यहाँ का घर का सामने देखो, लोगों ने लाके जो तबाही मचाया ना कचरा से। वैसे ये सब कचरा तो हम लोग का घर से निकला, ये दो सोफ़ा भी मेरा गैरेज पे रखा हुआ था, ये सब भी ख़राब हो गया तो ये फेंक दिया लोगों ने। बहुत कुछ ख़राब हुआ है यहाँ पे, लोगों का घर भी टूट गया है। ये देखो ये वाला घर, ये घर पूरा टूट गया है फ्लड के समय, बहुत ख़राब लगा। ये दुकान भी डूबा हुआ था पूरा फ्लड पे, नीचे का ग्लास वगैरह सब टूट गया है दुकान का। तो गाइस पिछला वाला व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था सौरभ का बाइक, एंड ये रहा इसका बाइक। इसका बाइक जो है अभी स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेल्फ देने से स्टार्ट हो जाता है। मैं दिखाता हूँ, ये चाबी मैंने घुमा दिया, पर इसका जो ये मीटर है ये काम नहीं कर रहा है। अभी न्यूट्रल करके स्टार्ट दे दिया मैंने, पर ये मीटर काम नहीं कर रहा है, इसका मीटर ख़राब हो गया है। फिर ये जो हेडलाइट है इसके अंदर पूरा फॉग आ गया, मतलब ये भी गया काम से, ये तो ERL ये भी गया, फिर अपना पीछे का लाइट भी जल नहीं रहा है, ये सब कुछ भी जल नहीं रहा है, वही एक प्रॉब्लम हो गया। एंड गाइस इसका जो हेडलाइट है, इस हेडलाइट का प्राइस ऑलमोस्ट आपका पड़ जाएगा 7000 रुपये जैसा। एंड बाइक में टोटल खर्चा कितना आया अभी तक? इसका जो हेडलैम्प है, हेडलैम्प को छोड़ के अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 5000 रुपये जैसा खर्चा आ गया है। बाइक चल रहा है अभी, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा बहुत खराबी है, वो नीचे का वाला पार्ट खोल के ठीक हो जाएगा जितना तक मैंने सुना है। हेडलैम्प पे आपका 7000 रुपए जैसा, तो ऑलमोस्ट पकड़ लो 12-13000 रुपए का झटका लग गया है सौरभ कुमार। अभी ये मीटर देखने से भी समझ में नहीं आता कि ऑन है कि ऑफ है, टेस्ट करके देखना पड़ेगा। हाँ ऑन है। इसका बैटरी डाउन हो गया था इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा था, आज बैटरी में चार्ज है इसलिए स्टार्ट हो जा रहा है, पर इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ब्रेक मार रहा हूँ फिर भी पीछे का लाइट नहीं जल रहा है। साथ गाइस मैं आ गया हूँ घर, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बिना कहीं मत चलता। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। केतन साइनिंग आउट फ्रॉम केपी ब्लॉग सिलचर।